हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की रसोई में आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए रोस्टेड पोहा चूड़ा रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होती है। इसे आप बड़े ही आसानी से घर पे बना कर स्टोर कर सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसे मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 500 ग्राम पतला वाला पोहा डालूँगी। चूड़ा बनाने के लिए हम पतले पोहे का ही इस्तेमाल करेंगे, हमें नॉर्मल कांदा पोहे का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसे कलछे की मदद से लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो पोहा है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। गैस की फ्लेम हमें एकदम मीडियम रखनी है। इसी तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा पोहा जो है नीचे से जले नहीं। बीच बीच में हम इसे हाथों की मदद से चेक करते रहेंगे कि ये क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। यहाँ धूप आती है तो आप धूप में सुखा कर भी इसे फ्राई कर सकते हैं, इससे जल्दी क्रिस्पी हो जाता है। ये देखिए, हमारा जो पोहा है वो अब अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब मैं इसे एक बड़ी से थाली में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला है। अब मैं इसमें 100 ग्राम मूंगफली के दाने डालूँगी, इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे, चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इन्हें झन्ने की मदद से निकाल लेंगे। हम उसी पोहे वाली थाली में इन्हें निकाल के रख देंगे। अब हम उसी कढ़ाई में, ये देखिए, मैंने 150 ग्राम सूखा नारियल लिया है, इसके मैंने पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं। अब हम इसे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखिए, हमारे जो स्लाइस हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे भी झन्ने की मदद से उसी थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये जो कढ़ाई में एक्स्ट्रा तेल था मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। अब हम इसमें पोहा छोंकेंगे। छोंकने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच मोहरी डाली है। मोहरी को हम अच्छे से तड़कने देंगे। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच जीरा। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच सूखी धनिया, 1 चम्मच सौंफ। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। अब हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे ताकि इसमें कच्चापन न रह पाए। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा करते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ते। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम किशमिश, एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें 100 ग्राम, ये मैंने काजू लिए हैं, इनके मैंने बीच से 2 भाग कर लिए हैं। हम अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम के करीब, ये मैंने भुजी हुई चना की दाल ली है, ये किसी भी किराने स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगी। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, ये मैंने लगभग 2 चम्मच नमक इसमें डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई शक्कर, ये मैंने 1.5 चम्मच इसमें पिसी हुई शक्कर डाली है। अब मैं डालूंगी इसमें लगभग 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रोस्ट किया हुआ पोहा, मूंगफली के दाने और कोकोनट के स्लाइसेस। अब हम इसे कलछी की मदद से अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से मिल जाए।
ये देखिए इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है। हमारा जो पोहा है उस पे हल्दी और सारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने मीडियम साइज़ की सेव ली है मार्केट से। अब मैं इसमें सेव मिलाऊंगी। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप मिला सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम कलछी के मदद से एक बार इसे वापस से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा टेस्टी और क्रिस्पी पोहा चिवड़ा रेडी है। आप इसे बच्चों की छोटी भूख या टी टाइम में स्नैक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।